हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो आज हम बनाएंगे कॉइन पापड़। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने बढ़िया बने हैं, तो आप इन्हें जरूर ट्राई करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 1 कप पानी ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून है वो पापड़ खार है, जो टॉप्ड मतलब बिल्कुल भरा हुआ है। इसको मैं इसमें डाल के और बॉईल कर लूंगी। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच सॉल्ट। पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है तो मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम ऑफ और इसको ठंडा कर लेंगे। पानी को हम छान लेते हैं ताकि कोई कचरा है तो वो ऊपर रह जाए। अब हमारा पानी है वो तैयार है। अब हम आटा तैयार करते हैं, जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने मूंग दाल का आटा और 1 कप ले रही हूँ मैं उड़द दाल का आटा। इसमें डालो साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग और दरी दरी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। अब मैं इसका एक टाइट डो है वो तैयार कर लूंगी। ये जो पानी तैयार किया था इसको इस्तेमाल करते हुए फ्रेंड्स, बहुत से मेरे से कमेंट में पूछते हैं पापड़ खार जरूरी है क्या। तो पापड़ खार जरूरी है, इसमें इसके बिना नहीं बनेगा पापड़। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। हमने 1 कप पानी है वो पूरा लगभग इस्तेमाल कर लिया है। हमारा डो तो लगभग तैयार है, अब हम इसको स्मूथ करेंगे। हमें लगभग 5 मिनट तक इस यूं ही इसको सॉफ्ट करना है। और हमारा आटा है वो देखिए सॉफ्ट हो चुका है। तो हम इसकी लोइयां करते हैं, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं इस पर। इसका रोल करते हैं। हम इसके लोइये तोड़ लेते हैं। धागे की मदद से किसी को एक हाथ में धागा पकड़ा देंगे या किसी चीज के बांध देंगे और इसके लोइये हैं वो तोड़ लेते हैं। हमें थोड़े मोटे ही तोड़ने हैं। इनको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। बेलन ये वाला चाहिए हमें, और पाटा और बेलन को हमने ग्रीस कर लिया है तो अब हम बेलेंगे इसको। पांच दस मिनट इसको सूखने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। हल्का सा ड्राई होने के बाद हम इनको दोबारा बेलेंगे।
तो इसको दोबारा बेलते हैं। हमारा पापड़ बिल गया है, अब हम इसको कटर से काट लेते हैं। मेरे पास ये नोजल ये ले रही हूँ, आप ढक्कन कुछ भी ले सकते हैं जिस साइज के आपको बनाने हैं। इसके हम दोबारा लोई बना लेंगे और ये सुखा देते हैं। सारे चिप्स हमारे तैयार हैं, इनको सुखा देते हैं। इसको घंटे दो घंटे तक सुखाना है हमें, ड्राई होने तक, फिर स्टोर करके रखना है। अगर आप नए हैं और आपको पापड़ बेलने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। थोड़ा सा आटा लीजिए, हल्का सा डस्ट कर लीजिए, अब पापड़ बेलेंगे तो आपको कोई भी परेशानी है वो नहीं आएगी, बहुत आसानी से बिल जाते हैं। आप दोनों तरह से पापड़ है वो बेल सकते हैं। इसको भी हम इसी तरह काट लेते हैं। नाम ही पापड़ है तो आपको इसको बिल्कुल पतला बेलना है। अब मैं आपको मिनी पापड़ काट के दिखाती हूँ, उसके लिए मैंने ग्लास लिया है। ये हमारे कितने सुंदर, देखो छोटे छोटे पापड़ है वो तैयार हो गए हैं। तो आप किसी भी साइज के बना सकते हैं। इनको सूखने के लिए रख देते हैं। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ड्राई होने का समय वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, गर्मी है तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे, बाकी धूप की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बस ड्राई हो गए, हम इनको एयरटाइट डब्बे में डाल के रख लेंगे तो ये खराब नहीं होते हैं। इस तरह हमारे ये पापड़ भी सूख चुके हैं, इनको भी हम इकट्ठा करके डब्बे में रख लेते हैं। ये देखिए कितने सुंदर बने हैं। अब हम आपको तलकर दिखाते हैं। तेल हमने चढ़ा दिया है, अब हम अपने पापड़ तलते हैं। गरम हो चुका है हमारा तेल। हम इनको तल भी सकते हैं, रोस्ट भी कर सकते हैं, और शादी ब्याह पार्टी में तो ये हर जगह देखने को मिलते ही हैं। घर के बने हुए का तो टेस्ट ही अलग होता है फ्रेंड्स, जरूर ट्राई करें आप और मेरे को बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप मसाला पापड़ बना सकते हैं, टैको पापड़ बना सकते हैं, चाहे जैसी वेरिएशन है वो तैयार कर सकते हैं।
टेस्ट में बहुत ही बेमिसाल है, इनका आप जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।